हुर्रियत के लोग मैनचेस्टर में कहीं ना कहीं अभी आ रहे हैं, तो इस हवाले से क्या मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है। सर बीजेपी ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए जेल है सिर्फ है, बीजेपी ये भी कह रहे हैं कि जो हुर्रियत लीडर्स हैं उनको तैयार है जेल के लिए। उसका मैं जवाब नहीं दे सकता। तो आने वाले समय में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, किस तरह की सेटिंग है जम्मू कश्मीर आने वाले इलेक्शन के लिए? देखिए हम लोग तैयार हैं, जब भी ये इलेक्शन करेंगे इंशाअल्लाह। इसके सवाल में और कुछ नहीं कह सकते। क्या सर आपको लग रहा है कि हालात अब बिल्कुल ठीक है सर, इलेक्शन होने वाले हैं? हालात कभी यहाँ ठीक नहीं थे, कभी इलेक्शन होते रहे। आपको याद होगा कि जब मेजर फ्लड्स आए सब भी इलेक्शन हुए, जबकि हमने उनसे गुजारिश की थी कि इसको थोड़ा सा डिले की, और आज 3 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा। ये हाल सर, जब आपकी सरकार थी तब आपने ट्रेड आर पार जो ट्रेड जो थी सर वो आपने खोल दिया सर, क्या वो दोबारा से खुलना चाहिए? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान है। फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कर सकते।